नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी। पोषण सप्ताह जो कि 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, इस अवसर पर आप सबसे पोषण व्याख्यान की श्रृंखला में संतुलित आहार के बारे में बातचीत करूंगी। जैसा कि स्वस्थ जीवन यापन के लिए मनुष्य को उचित आहार की आवश्यकता होती है, आहार मानव जीवन का आधार है। हमारा आहार हमें पोषण प्रदान करता है, जिसके कारण हमारा शरीर विभिन्न ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को संपन्न करने में सक्षम होता है। उचित प्रकार का आहार ग्रहण करने से मानव शरीर पोषित होता है तथा विभिन्न दैनिक कार्यों हेतु ऊर्जावान रहता है। संतुलित भोजन के सेवन द्वारा व्यक्ति में विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति रहती है। विभिन्न कारणों से यदि मनुष्य केवल अपनी भूख शांत करने के लिए अथवा केवल स्वाद हेतु ही भोजन ग्रहण करे, जिसमें सभी खाद्य समूहों में से विविध खाद्य पदार्थों को सम्मिलित न किया जाए, तो इस प्रकार का आहार वास्तव में संतुलित आहार नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार के आहार में सभी पोषक तत्वों का समावेश नहीं होता है। इस प्रकार के आहार का सेवन करने से मानव कुपोषण से ग्रसित हो सकता है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की, कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी खाद्य समूहों जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, वसा आदि में से खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हों, तथा यह आहार मानव की पोषण तत्वों की मांग की पूर्ति करे। संतुलित आहार मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति करता है। संतुलित आहार में शारीरिक मांग के अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल शारीरिक मांग के अनुरूप उचित मात्रा में उपस्थित हों। इसके साथ ही यह अल्प आहार काल हेतु एवं शारीरिक आकस्मिकताओं की पूर्ति हेतु कुछ मात्रा में अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करे। आहार व्यक्ति को स्वस्थ रखता है एवं दीर्घायु प्रदान करता है। संतुलित आहार व्यक्ति के उचित शारीरिक भार को एवं उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति को बनाए रखता है। साथ ही यह विभिन्न रोगों से ग्रसित होने से रक्षा करता है। यह संभव नहीं है कि केवल एक ही खाद्य पदार्थ हमें सभी पोषक तत्व प्रदान करे, इसलिए यह आवश्यक है कि आहार में विविध खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाए, जिससे सभी पोषक तत्वों की पूर्ति शरीर में हो सके। आहार में दूध, फल, सब्जियों की उपस्थिति से शरीर को विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे की पूर्ति संभव होती है। अब हम बात करते हैं कि संतुलित आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। संतुलित आहार ग्रहण करने से व्यक्ति के शरीर में समस्त पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति होती है। आहार विभिन्न प्रकार के रोगों एवं संक्रमणों से रोकने में सहायक है। संतुलित आहार मनुष्य को विभिन्न रोगों एवं संक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। संतुलित आहार में उपस्थित विटामिन, खनिज लवण एवं प्रोटीन विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। संतुलित आहार आयु एवं लंबाई के अनुसार उचित शारीरिक भार को बनाए रखने में सहायक होता है। कम आहार ग्रहण करने से मनुष्य अल्प पोषण से ग्रसित होता है, तथा अधिक आहार ग्रहण करने से मोटापे एवं अन्य संबंधित रोगों का शिकार हो सकता है। संतुलित आहार व्यक्ति के उचित शारीरिक भार को बनाए रखने में सहायक है। संतुलित आहार व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। यह मनुष्य की मानसिक क्षमताओं एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु में वृद्धि करता है, साथ ही यह जीवन के कुल उत्पादक वर्षों में भी वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार द्वारा शरीर को रेशा एवं एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन तथा सिलेनियम जैसे तत्वों की भी प्राप्ति होती है। इसमें कुछ मात्रा में फाइटोकेमिकल्स जैसे फ्लेवोन्स एवं पॉलीफिनॉल्स की उपस्थिति होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स एवं पॉलीफिनॉल्स शरीर को विभिन्न प्रकार की क्षति एवं कई रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संतुलित आहार द्वारा उत्तम शारीरिक वृद्धि संभव है। संतुलित आहार द्वारा उपयुक्त भार एवं लंबाई प्राप्त करना संभव है। साथ ही इसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विकास होता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि विभिन्न वृद्धि कालों
जैसे शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में संतुलित आहार ग्रहण करना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहला है आयु। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक व्यक्ति की आयु है। एक ही आहार सभी आयु वर्गों के लिए संतुलित नहीं कहा जा सकता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। बढ़ते हुए बच्चों को प्रति किलोग्राम शारीरिक भार अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों एवं किशोरों की वृद्धि हेतु शरीर निर्माणकारी तत्व जैसे प्रोटीन एवं नियामक तत्व जैसे विटामिन खनिज लवण की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को अधिक ऊर्जादायक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। इस आयु में व्यक्ति की पोषण तत्वों की मांग स्थिर बनी रहती है। वृद्धावस्था में शरीर शिथिल पड़ जाता है, पाचन तंत्र की क्रियाशीलता में कमी आती है, चयापचय की दर भी कम होती जाती है एवं पौष्टिक तत्वों की मांग जीवन की अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कम होती है। महिलाओं एवं पुरुषों की शारीरिक बनावट आकार भार एवं क्रियाशीलता में अंतर होता है। पुरुषों में आधारी चयापचय की दर भी अधिक होती है। इस कारणवश पुरुषों की अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। महिलाओं को विशेष रूप से लौह लवण की आवश्यकता पुरुषों के अपेक्षा अधिक होती है। क्रियाशीलता एवं व्यवसाय भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति की क्रियाशीलता का स्तर व्यक्ति की ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की मांग को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों जैसे खदान में काम करने वाले श्रमिक लोहार आदि को सामान्य अथवा हल्का शारीरिक काम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की एवं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की अधिक मांग होती है। क्रियाशीलता कम होने के कारण ऊर्जा की मांग भी कम हो जाती है। विशेष सारी अवस्था जैसे महिलाओं में गर्भावस्था एवं स्तनपान की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग भी वृद्धि होती है। अतः इस स्थिति के अनुरूप संतुलित आहार के स्वरूप में ही परिवर्तन आ जाता है। रोग की अवस्था में भी संतुलित आहार के स्वरूप में परिवर्तन होता है। साथ ही इसे जलवायु और मौसम भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करता है। स्थान विशेष की परिस्थिति मौसम भी ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करता है। ठंडे प्रदेशों में शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक गर्म प्रदेशों के अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों का मूल जैसे कि संतुलित आहार आयोजन का खाद्य पदार्थों का क्रय मूल भी करता है। अंत में यह मैं कहना चाहूँगी कि संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक है और इसके द्वारा हम विभिन्न पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के व्यापन के लिए अधिक आवश्यक हैं, तथा संतुलित आहार द्वारा हम एक स्वस्थ पूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।